अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका? होपफुली आप सही होंगे, ठीक ठाक हो। मैं सहरी बनाने लगी हूँ जी। शुरू हो गया आज से रमज़ान के व्लॉग्स, पहला व्लॉग है जी। कोशिश करूँगी कि कंटिन्यूसली व्लॉग्स बनाऊँ अगर मैं मसरूफ़ ना हूँ, क्योंकि बच्चे अभी भी उठे हुए हैं सहरी के टाइम भी, तो इनको भी साथ साथ देखना होता है। यहाँ पर जी पराठे बनाऊँगी मैं, और चाय के लिए मैंने दूध रख दी है। अब साथ साथ सहरी बनती है, साथ साथ मैं आपको दिखाती हूँ जी। सहरी जो है वो रेडी हो गई है, पराठा गोभी का, ठीक है। ये देखें कितना ज़बरदस्त बना है। इसको हम निकाल लेंगे प्लेट में, इसको मैं खोल दूँगी ताकि जो क्रिस्पी रहे वाप सारी निकल जाए इसमें से। साथ जी दाल है और फ्राई अंडा और चाय। ये जी सहरी है, सहरी करते हैं, उसके बाद नमाज का टाइम हो जाएगा। और सहरी के साथ बाद में दही भी लेते हैं हम लोग, लस्सी लेते हैं कभी, दही लेते हैं। तो आज मैं जो है वो दही दूँगी फितरत को। इसमें जाना है बिजने आज वन क्लास में वन रोज़। अच्छा जाओ शाबाश मेरे बेटा, रमज़ान पे जा रही है, दरवाज़ा को कहती है अब जाओ। आप इसका जब स्कूल स्टार्ट हो गया, आप जी जा रहे हैं स्कूल। अब सब काम ख़त्म हो गए हैं, मैंने सरी भी करा दी घर की, हाफिज़ बाय बाय। तो जी आप घर की तकरीबन सफाई भी करवा दी है, अब मैं जाऊँगी सोने और उठूँगी 11-12 बजे। अच्छा जी जोहर का टाइम हो गया, अजानें हो रही हैं और इतना प्यारा मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है साथ साथ, और बहुत ही ठंडा मीठा सा मौसम जिसको कहते हैं ना वो है। और यहाँ पर हम लोगों ने जो है ना अब रखे हैं कुकड़ यहाँ पे हमने मुर्गियाँ और जो है मुर्गे रखे हैं, क्योंकि अब हमने रैबिट्स ख़त्म कर दिए हैं, क्योंकि बच्चे बहुत तंग करने लगे थे और अंदर जाते थे, तब हमने रखे हैं यहाँ पर मुर्गे एंड मुर्गियाँ, ठीक है। इनको जी आप वेलकम करें। हेलो, ठीक है जी। ये एक फैमिली है हमारे पास इनकी, बारिश ने देखें क्या हाल किया हुआ है, सारा सारा पानी पानी हुआ पड़ा, और कितने प्यारे प्यारे फ्लावर्स हैं यहाँ पे, रोजेस। वाजी वाह, बहुत प्यारे रोजेस, ठीक है। ये है एक, और एक ये कलर है। थोड़ा सा लॉन दिखा दिया मैंने आपको व्लॉग में। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो आपने सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना, और मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको व्लॉग अच्छा लगा है और मज़ीद व्लॉग्स बनाऊं। यहाँ पे क्या करने आए हो? चलो अपना खाना लेके आओ, यहाँ पे वहाँ चेयर पे रख के बैठो, चलो यहाँ बैठ के खा लो, ले कर आओ यहाँ से। आई लाद वो बैठे हुए हैं, नाश्ता ये लगा हुआ है। हम 12 बजे उठे हैं, अब 12 बजे हमारा अब नाश्ता हो रहा है यहाँ पर। अच्छा जी, तो यहाँ पे बेहद खिलारा जो है मचा हुआ है, मैंने अभी तक कुछ भी अनपैक नहीं किया, ठीक है। सारा कुछ जो है इसको अनपैक करना है मैंने, तो शादी से मैं होकर वापस आ चुकी हूँ। बैग में जो जो चीज़ें हैं, जो सामान है सारा वो निकालना है, ये सारा कुछ मेरा वैसे ही पड़ा हुआ है। मैं एक्चुअली ना ऐसे बॉक्सेस में लेके जाती हूँ सारा मेकअप सेट करके ना, ये एक बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, एक ज्वेलरी का होगा बीच में, तो इस सबको अनपैक करना है। वेंटी सेट करनी है, देखें जी वेंटी मेरी सारी खाली हुई पड़ी हुई है, इसको सेट करूँगी मैं और ये सारा कुछ करूँगी। तो ये आज का ये काम है, नमाज रोज़ा कर लिया है और अब सिर्फ ये करना है मैंने। अच्छा जी, तो यहाँ मैं स्टोर में जा रही हूँ, मुझे एक काम है स्टोर में, ठीक है। स्टोर हमारा जो है वो ऊपर है, देखें फर्स्ट सेकेंड और ये ऊपर, वो ग्राउंड फ्लोर है ये ऊपर वाला, और यहाँ पर है हमारा स्टोर, और ये है रमज़ाना का सारा सिस्टम, ठीक है। और ये है जी हमारा स्टोर, यहाँ पे मैं ढूंढने आई हूँ एक चीज़, आपको दिखाती हूँ। ये है जो बहुत पुरानी वाली लोहे की अलमारियाँ जिनमें यहाँ पर जॉइन मारे रही हुई हैं हमारी, ये हमारे पास दो हैं। ये हम लोग जब गए थे आज पे, मैं आ रही थी तो हमें गिफ्ट किया था, तो ये निकालना रमज़ाना एक, तो आज मैं इसको जो है ना मस्जिद को डोनेट कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर चाहिए, यहाँ पर जो हमारी मस्जिद है करीबी उसमें चाहिए ये, और वो मस्जिद जो है इधर के दादा ने बनवाई हुई है, तो उसके लिए जो है ये उसके अंदर एक चाहिए था ये रग, निकालो नमाजियों के लिए। तो आज जो है मैंने अपनी ये हज का गिफ्ट जो है वो उधर दे रही हूँ, ये बहुत खूबसूरत कालीन एक, ये नमाज के लिए इस्तेमाल हो सकता है इजीली। तो जी आज हम जो है इसको दे देंगे, ये लो मामा को दे आओ, नीचे भिजवा देंगे। चलें जी, और बाकी ये जाइन माजे हैं, इंशाल्लाह मैं उनको कभी पूरी कलेक्शन दिखाऊंगी जाइन माज की जो हमारे पास हैं, बहुत अच्छी अच्छी जाइन माजे हैं मेरे पास। जी वेंटी की सफाई हो चुकी है, मैंने सब चीज़ें प्लेस कर दी हैं उनकी अपनी जगह पर और नीट क्लीन हो गई है। एक दफ़ा मैंने आपको लाइट ऑफ करके भी दिखा देती हूँ कि ये देखें कैसी दिख रही है, ठीक है।
ठीक है, लाइट्स ऑन करके भी दिखा देती हूँ, ठीक है, हर चीज़ जो है उसकी जगह पर है। और बस ऐसे ही मुझे जो है ना 2-3 दिन लगेंगे सेट होने में, क्योंकि अभी शादी से आई हूँ मम्मा की तरफ से, तो जब भी मैं भावलपुर जाऊँ वापस आऊँ मेरी चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं, उनको सेट करने में 3 से 4 दिन लगते हैं। कल इंशाल्लाह वार्डरोब साफ़ करूँगी तो वो भी साथ ज़रूर दिखाऊँगी आपको, और वेंटी का टूर भी दूंगी प्रॉपर पूरा, ईच एंड एवरी थिंग के ड्रॉज में क्या रखा है, ये साइड वाली कवर्ड में क्या होता है, हर चीज़ कैसे रखी हुई है वो। और ये एक छोटू सा प्लांट जो है मुझे इतरत ने गिफ्ट किया था, बहुत ही प्यारा है, कैक्टस की कोई कसम है, ये मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी किसी भी जो है व्लॉग में। मेरे पास और भी कैक्टस हैं कि कौन कौन से हैं और मुझे खुद नाम नहीं पता, पर ये बहुत पसंद है। इसको धूप लगवानी पड़ती है, धूप लगवाती हूँ मैं इसको, दोपहर को थोड़ी देर धूप में रख देती हूँ, बाद में दोबारा अंदर रख देती हूँ। बच्चों का शोर हो रहा है पीछे, उसको आप इग्नोर करें, ठीक है। और बस ये काम शाम जो थे वो मेरे हो गए हैं, अब अफ्तारी की तैयारी करनी है। अफ्तारी में कुछ खास नहीं करना, तो वो नॉर्मल सही है, वो मैं आपको दिखाती हूँ क्या करते हैं आज। जी रेडी हो गया है आलू मटन का जो है, हम लोगों ने शोरबा बनाया आज, ठीक है। और आ गया चावल, चलो दिखाओ फिर, आ गए हैं तो नहीं। यहाँ पे अब हम जो है ना ये फ्राई करेंगे अपने पकोड़े आलू के। अभी चावल आ गए, आओ ले आओ, दिखाओ, यहाँ रखो यहाँ रखो यहाँ रखो, इधर रखो, ये जी आए हैं हमारे पास, ये आए हैं बारबेक्यू और चावल हमारे पास मस्जिद से, क्योंकि वहाँ पर देख बनी है इफ्तारी के लिए, तो ये डेली आएंगे और ये तो हमारे डेली के मेन्यू में ऐड होंगे। और ये अब आप डेली देखेंगे कितने ज़बरदस्त टेंडर से जो है बारबेक्यू है, साथ जो है इसके राइस हैं। चलो इसको भी जाओ डाइनिंग टेबल पर रख दो और पकौड़े बनाएंगे। बस बेल बजनी शुरू हो गई है, आहिस्ता आहिस्ता सब घर आदमी भी आना शुरू हो जाएंगे, इफ्तारी का टाइम जैसे करीब आता जाएगा। और मैं यहाँ पे पकोड़े फ्राई करने लगी हूँ, बस इसको थोड़ा सा छानूंगी साफ करूँगी और फिर जो है इसमें पकोड़े फ्राई करूँगी। ये हमारे पास है चिप्स का खुदा मसाला, ठीक है, ये ओकाड़ा से मेरी नंद लेके आई थी, ऐसे ही मिलता है ये, इसे हम पानी में मिक्स करके ना अपने चिप्स में लगा लेंगे, ये ऐसे ही है, इसके अंदर मसाले वगैरह सब कुछ है और चिप्स बड़े ही अच्छे बन जाते हैं, टेस्ट मज़े का आता है इसका, ये बना बनाया मिलता है। और मिलता कहाँ से शॉप वॉप का मैं जो है ना पूछ के जो है नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी आपको। यहाँ भी हमने जो है आलू के पकोड़े फ्राई करने हैं स्पाइसेस वाले, बस तीन से। अफ्तारी का जो बिल्कुल टाइम हो गया, अब अपनी अपनी प्लेटें बनाने का टाइम आ गया है, तो अब जी सब अपनी अपनी प्लेटें बना रहे हैं फटाफट, और प्लेटें बना कर जी दुआ करेंगे, उसके बाद रोज़ा इफ्तार कर लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये जी आज का व्लॉग था मेरा, अफ्तारी भी हमारी थोड़ी सी नॉर्मल सी है, जो अच्छी और नॉर्मल, बहुत ज़्यादा फ्राई चीज़ें नहीं है, क्योंकि फ्राई चीज़ों पर परहेज़ करनी अच्छी बात है। मिलूंगी मैं आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। ये है जी लास्ट में छोटी सी मेरी जो प्लेट मैंने बनाई थी अफ्तारी की, अल्लाह हाफिज़।